बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ताकत बख्श निज़ाएँ। अहदीस मुबारका में ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनके खाने से क़ुव्वत बढ़ती है, जिस्म हमेशा सेहतमंद और चुस्त रहता है। इससे ख़ासकर मर्दों में मर्दानगी की क़ुव्वत बढ़ती है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद यानी मधु बहुत पसंद था और मीठी चीज़। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहद के शरबत से बढ़कर कोई दवा नहीं, यानी हर बीमारी के लिए शहद बेहतरीन दवा है। शहद के बेशुमार फ़ायदे हैं। शहद में हज़ारों किस्म के फूलों का रस होता है। अगर पूरी दुनिया के हकीम और डॉक्टर मिलकर भी ऐसा रस तैयार करना चाहें तो भी लाख कोशिश कर लें, वो ऐसी चीज़ तैयार नहीं कर सकते। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम है कि वो इन छोटी छोटी मक्खियों से इंसानों के लिए ऐसी बेहतरीन और फ़ायदेमंद चीज़ तैयार करवाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीने की चीज़ों में सबसे ज़्यादा दूध पसंद था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजूल मक्खन और दही मिलाकर खाते थे और ये आपको बहुत पसंद था। तीन चीज़ें बराबर मिलाकर खाएं, मसलन आधा पाव मक्खन, आधा पाव दही, आधा पाव खजूर। इन तीनों को मिलाकर हलवा सा बना लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर खजूर को मक्खन यानी मस्के के साथ खाया करते थे। हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रदिल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, चार चीज़ें मर्दाना ताकत को बढ़ाती हैं। चिड़ियों का गोश्त, इतर फल, एक किस्म की यूनानी दवा आयुर्वेद में तीरी फल कहते हैं, पिस्ता और तेरा तेजक, एक तरह की जड़ी बूटी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम गोश्त में पुष्प फूट का गोश्त सबसे बेहतर होता है। इन हदीसों को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें, क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़। वाकु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।